ये घर एक बहुत रियल स्टोरी है और काका देव के हर बच्चे के लिए है। साहिल सर भी ध्यान दें, साहिल सर इरशाद करने के लिए हमारे साथ हाजिर है। सुनो सुनो, कोई किसान के घर से है तो किसी के घर बैलगाड़ी है, ये आप सबकी कहानी है। कोई किसान के घर से है तो किसी के घर बैलगाड़ी है, किसी के माँ बाप शिक्षित तो किसी के माँ बाप अनाड़ी है, ये ट्रू स्टोरी है काका देव के बच्चों की। मतलब आप इंडिविजुअल जेंट्री पे जाएंगे अगर सब पर रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ यही सच्चाई कहानी है। कोई पढ़े लिखे घर से है, कोई अनपढ़, मतलब बड़ा वैरायटी ऑफ काका का, काका देव का बच्चा मतलब मान के चलो ब्रह्मांड की सबसे विशेष वैरायटी का बच्चा है, हकीकत मान लीजिए। तो इसमें अर्ज किया है कि कोई किसान के घर से है तो किसी के घर बैलगाड़ी है, और किसी के माँ बाप शिक्षित हैं तो किसी के माँ बाप अनाड़ी हैं। जो कोई जोड़े गए पैसों से पढ़ रहा है तो किसी के घर कई साल से कर्जा है, कोई जोड़े गए पैसों से पढ़ रहा है तो किसी के घर कई साल से कर्जा है। दोस्तों ये महफिल दिमाग के उस्तादों की है, यहाँ कई किस्म का दर्जा है। पढ़े जा रहे हैं सब, बढ़े जा रहे हैं सब, ये बढ़िया लाइन है। पढ़े जा रहे हैं सब, बढ़े जा रहे हैं सब, किसी को सर्दी जुखाम तो किसी को एलर्जी है। पढ़े जा रहे हैं सब, बढ़े जा रहे हैं सब, किसी को सर्दी जुखाम तो किसी को एलर्जी है। हौसला देखकर मनी मन हिंदुस्तान कहता है कि काका देव के बच्चों में गजब की एनर्जी है। रुको जरा, सबर करो। एक ऑनलाइन बढ़िया कहे ना दिया। कुछ रईस हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ रईस हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। बच्चों ए मोबाइल ले नो। कुछ रईस हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, पर ज्यादातर पैसे से कमजोर हैं। कुछ रईस हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, पर ज्यादातर पैसे से कमजोर हैं। आर्थिक स्थिति किसी की कैसी भी हो, पर सबके कदम सिलेक्शन की ओर हैं। एक आखिरी वाली उसकी आखिरी लाइन, उम्मीद करता हूँ आपसे ना, ठीक है भाई। तो सलाम है उस हौसले को ऐ बच्चों, सलाम है उस हौसले को ऐ बच्चों, गजब का जिगर आपके अंदर रखा है। सलाम है उस हौसले को बच्चों, गजब का जिगर आपके अंदर रखा है। थोड़ी सी कसर बची है, जान लगा दो, अब की बार सिलेक्शन।